ये 15-20 साल से कारोबार है हमारा बगरों का ये, और ये बारिश में अपने को बगरों के व्यापारियों को बहुत परेशानी हो जा रही है। इतना कारोबार तो बहुत 17 हो गया बड़े भाई। खरीदी तो हर साल करते हैं भाई हम लोग, तो कारोबार हमारा 17 होके बैठा हुआ है, और बारिश होने की वजह से कारोबार बहुत 17 हो गया। अब जो चल रही मार्केट नुकसान भी है थोड़ी, अब जो हम दाम लेके आए वो दाम से भी कम दे रहे हैं बारिश की वजह से। मेरा कारोबार वो बचपन से करता हूँ, अभी हाल पूरा बारिश में पूरा मौसम में कैसा हुआ साहब, पूरा 4 दिन से पूरा ऐसा है, रेट आगे से आधा हो गया एकदम रेट। ग्राहक जो है सो बारिश की वजह से बाहर नहीं आ सक रहा, और जो हम जो दाम को ला रहे हैं उसे लाए सो दाम से भी नुकसान को दे रहे हैं बकरे। माल जरा मतलब कम रेट से जा रहा, थोड़ा फर्क हुआ जरा बारिश की वजह से। पानी जो बकरे की खूबसूरती है ना, पानी से थोड़ा कम हो गई वो। फिर तेलंगाना का माल है नंबर वन माल, बिक गया झाट पाट, नहीं बिका फुट पाट, ऐसा है। मगर अब जो चल रही मार्केट नुकसान की है थोड़ी, अब जो हम दाम लेके आए वो दाम से भी कम दे दे रहे हैं बारिश की वजह से। ये 15-20 साल से कारोबार है हमारा बगरों का ये, और ये बारिश में अपने को बगरों के व्यापारियों को बहुत परेशानी हो जा रही, और मार्केट में मुंडे जा रहा भी कोई रेट कम नहीं कर रही, और कुर्बानी का बकरा है अपने को गवर्नमेंट की तरफ से ये भी फैसिलिटी होना चाहिए कि भाई अपने लोगों को जो भी मियाँ भाई लोगों को भाई कुर्बानी का बकरा कम से कम में वाजिब दाम में अपने को अवेलेबल कराने की भी गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ी बहुत अपने को मदद मिलनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ की कोई नहीं यहाँ पे वो गुंजाइश नहीं दिख रही बड़े भाई। बल्कि इतना कारोबार तो बहुत 17 हो गया बड़े भाई। तो भी बड़े भाई अपने को शेड्स अगर अवेलेबल कराए, शेड्स की फैसिलिटी पानी की, जैसा कि दुड्डी की तरह बकरों को वहाँ पे अपन स्टोर कर सकते हैं, तो उसकी भी अगर अपने को गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी मिले तो बहुत गवर्नमेंट का ये रहेगा भाई। तो 3-4 दिन का रहेगा भाई ये कारोबार, ये बकरीद का कारोबार क्या हो रहा बोले तो भाई जो दाम को लेके आ के हमारे को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा वगैरह रह रहा वो अब हमारे को नहीं निकल सक रहा। ग्राहक जो है सो बारिश की वजह से बाहर नहीं आ सक रहा, और जो हम जो दाम को ला रहे हैं उसे लाए सो दाम से भी नुकसान को दे रहे हैं बकरे। बारिश की वजह से बहुत बकरों को इन्फेक्शन हो गया भी, बहुत बकरे मर गए भाई, नुकसान हो गया बकरों का कारोबार में। मेरा कारोबार वो बचपन से करता हूँ, बकरे का कारोबार है, अभी हाल पूरा बारिश में पूरा मौसम में कैसा हुआ साहब, पूरा 4 दिन से पूरा ऐसा है कुछ नहीं साहब, ये काली बारिश में बिग लेता है बकरी माल जहराबाद का साहब, सेल नहीं है काली कारोबार कुछ नहीं साहब, पूरा बारिश तरफ से पूरा गिर गया सर। क्या रे वो सर साहब 9,000-8,000 चल रहा साहब, जोड़ी वो 12,000 चल रहा साहब। मोहम्मद हफीज कुरैशी। खरीदी तो हर साल करते भाई हम लोग, ये हर कोई कारोबार करने से एक तो कारोबार हमारा 17 होके बैठा हुआ है, और बारिश होने की वजह से कारोबार बहुत 17 हो गया, कि बे इंतहा बारिश होने की तरफ से रेट आधे से आधा हो गया एकदम, रेट हाई फाई जाके एकदम आधे से आधा रेट हो गया, जिसमें ग्राहक रेट दे नहीं सक रहा। बहुत रेट जो है 22,000 रुपये जोड़ी था, अब जो है 17,000-16,000-14,000 तक भी ग्राहक रेट पूछ रहा, अन्यालम हो गया रेट एकदम मार्केट में। तो रेट मोड़ेदार लोग जो है हाई फाई रेट लगा दिए, यहाँ पे जो है हम लोग का व्यापारी बहुत परेशान है। हमारे दिल से पूछो, हम लोग का कारोबार कर रहे थे भाई, लाखों रुपए लगा के परेशान होके बैठे हुए हैं। पानी की तरफ से बहुत सारे बकरे मर रहे हैं भाई, इंसान भी परेशान, जानवर भी परेशान हो रहा है।